हैप्पी होली। क्या 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 तुमने ये तुमने मुसलमान को गुलाल लगा दिया? गुलाल? अरे ये क्या, इसने कलर लगा दिया? अरे शहजाद, अरे देख देख, इस हिंदू के बच्चे ने तेरी बेगम को कलर लगा दिया। तो मेरी बेगम को कलर? इन लोगों की इतनी हिम्मत, हमारे धर्म के साथ खिलवाड़, इनको तो हाथ छोड़ूंगा नहीं। भैया क्यों बे, तेरी इतनी हिम्मत, तुमने मेरी बेगम के कलर लगा दिया, तेरे को दिखाई नहीं देता क्या? देखिए भाई साहब, मैं बस होली खेल रहा था, इतना हाइपर होने की कोई जरूरत नहीं है। और गलती से इनके ऊपर गुलाल लग गया, ऐसा कौन सा पत्थर टूट गया? अरे क्या हो गया पूछता है, तू जानता नहीं कि हमारे धर्म में ये होली का कलर देखना तो दूर, लगाना तो दूर, छूना तक हराम है, समझा? और तू कलर लगा के पूछता है कि क्या हो गया? अरे बस करे बस करे, मजहब के पीछे तो ना लड़े कम से कम। अरे तुम चुप करो, देख नहीं रही है वो लोग दूसरे धर्म के हैं, पर वो दूसरे धर्म के होने के बावजूद भी हमारे ऊपर कलर लगा रहे हैं, तो हम लड़े कैसे नहीं? देखिए ऐसा कुछ नहीं है कि आपके यहाँ होली खेलना दूर, रंग देखना आराम है। अरे अगर हम आप लोगों के ईद रमजान में आ सकते हैं तो आप हमारे साथ होली क्यों नहीं खेल सकते? और ये क्या मजहब लगा रखा है आप लोगों ने? हाँ अगर थोड़ा सा गुलाल लग गया तो क्या दिक्कत आ गई? देखो तुम है ना अपनी औकात से ज्यादा बोल रहे हो, जब हम लोग तुम्हें नहीं बोलते कि तुम लोग हमारी ईद और रमजान में शामिल हो, तो हम लोग तुम्हारे त्योहार में कैसे शामिल हो जाए? बात तो बिल्कुल सही कह रहा है, अबे ज्यादा आकर मत, समझा? नहीं तो यहीं पे सीधा कर दूंगा। देखो आपस में ऐसे लड़ाई मत करो, एक काम करो तुम घर चलो। अरे मैं तो लड़ाई कर ही नहीं रहा हूँ, इन्होंने ही लगा रखा है मजहब, पता नहीं कैसा मजहब है। अरे तेरी तो अरे उड़ जा बच्चे, अरे ये तो अल्लाह का रहम करम है कि इस बच्चे की जान बच गई। अरे भाई साहब ये हिंदुओं का बेटा है तो इसे भगवान ही बचाएंगे ना, ये इसका टीका बता रहा है कि ये हिंदुओं का बेटा है। अरे मेरे अल्लाह ने बचाया है, इसे कैसी बात कर रहे हो? जब ये मुसलमान कौम का नहीं है, ये हिंदुओं की परवरिश में पला हुआ है, ये भगवान में मानता है, तो इसे अल्लाह क्यों बचाएंगे? बस करिए आप सब लोग।